हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. दिस इज मी सुशील भगत एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट. मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया से होंगे. बड़ी देर के बाद मैंने आज प्लान किया है कि जाई वैली घूम के आया जाए. लास्ट टाइम जब मैंने विजिट किया था आप सबके साथ, तब स्नोफॉल था, बर्फबारी थी. गर्मियों में इस साल का मेरा पहला विजिट है, सोचा आप सबके साथ जाई घूम के आ जाऊँ. जाई वैली में साफ़ सफाई का क्या हाल है, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं लोकल्स द्वारा इस बार अवेल की गई हैं टूरिस्ट के लिए. खूब सारे टेंट्स हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे रखी गई हैं वो आप सब आपको दिखाएंगे. कोई अगर टूरिस्ट मिलता है उनसे भी फीडबैक लेते हैं सारा कुछ. और आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि जाई वैली ज़रूर आएँ. बड़ा सुहाना मौसम है, बड़ा अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा, देवदार के खूबसूरत पेड़ आके देखें. जाई वैली वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन है इन जम्मू प्रोविंस. सो आएँ और जाई वैली को देखें और मज़ा लें. सो यू ऑल गाइज स्टे विद मी एंड एंजॉय. स्वर्गे समान रोए मैनू चेल गला कमान दिल जोते मेरो गले लाने रो जाए स्वर्गे समान रोए मैनू चेल गला कमान दिल जोते मेरो गले लाने गे समान तो मैनू चल गला कमान दिलों ते मेरो गले ना जाई वैली. तो आइए आप सबकी मुलाकात कुछ लोगों से करवाते हैं. दिस इज जाई वैली. जाई वैली में इस बार मैंने एक चीज देखी जो सबसे बढ़िया मुझे लगी. बहुत सारी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट लोगों ने यहाँ पे लोकल लोगों के द्वारा यहाँ पे खोली गई हैं. और उस चीज़ के मैं दो फायदे समझता हूँ. एक तो ये कि साफ सफाई का खास ख्याल रह रहा है. जिस भी एरिया में किसी ने अगर अपना बिजनेस खोला है वो उस एरिया को साफ सुथरा रखता है. और दूसरा ये कि जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनको हर चीज़ जो है वो दस्तियाब मिलती है. ये फ़ायदा मैंने इस बार जाई में देखा. और साफ़ सफाई एज़ कम्पेयर लास्ट ईयर साफ़ सफाई जाई में ठीक ठाक है. ये हमारे लोकल हैं यहाँ पे, इन्होंने भी एक छोटा सा बिज़नेस यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है, इसी साल किया है. आइए तरह इनसे बात करते हैं. हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार सर. सुनील जी, सुनील जी कहाँ से हैं आप? हम चिंता से हैं सर. और चिंता कहाँ से? लाचांद से. आपने भी इस बार यहाँ जाई में अपना बिजनेस खोला है? हाँ सर. अच्छा, ज़रा मुझे बताएं आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो टूरिस्ट के लिए यहाँ पे रखी हुई है. हमने रखी है सर, मैगी है, चिकन. मैगी है, चिकन है, चाय है. ठीक है, ठीक है. चलिए, काम बढ़िया से चल रहा है. हाँ, बढ़िया से चल रहा है. सुनील जी, एक काम करिएगा, साफ़ सफाई का खास ख्याल रखिएगा. अपने आसपास अपना आपका जितनी भी ज्यूरिस्डिक्शन है ना, आपके टेंट के आसपास का एरिया जो है ना, खास करके ये ख्याल रखिए साफ़ सफाई जो है आपकी बड़े अच्छे से होनी चाहिए. क्योंकि कहीं भी टूरिस्ट आता है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो है, हाँ, साफ़ सफाई देखता है. तो आपको लगता है कि साफ़ सफाई होनी चाहिए? होनी चाहिए. और ये हम सब का फ़र्ज़ भी बनता है कि जाई में साफ़ सफाई अगर रहे तो जाई वैली की तरह सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन कहीं पर भी नहीं है.
शर्त यह है कि साफ सफाई अगर है। ठीक है सुनील जी, बढ़िया, अपना काम कीजिए एंड गुड लक। जाय में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि जाय में साफ़ सफाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। साफ सफाई मैं पहले भी कह रहा हूँ, एज़ कम्पेयर पिछले साल से काफ़ी अच्छी है। आइए किसी और से भी बात करते हैं। ये देखिए एक और प्यारी सी दुकान यहाँ पे सजाई हुई है, और सबसे बड़ी अच्छी बात देखिए साफ़ सफाई का बड़े अच्छे से इन्होंने भी ख्याल रखा है। डस्टबिन इनके बाहर यहाँ पे इंस्टॉल है। चलिए इनके जो ओनर हैं उनसे भी बात करते हैं। ये हमारे ये भी लोकल हैं भाई साहब, आपका नाम? विक्रमजीत। लोकल हैं आप भी, है ना? अच्छा, आपने भी यहाँ पे दुकान लगाई है ना। अच्छा मुझे बताओ आप क्या क्या, आपकी दुकान पे आपने क्या क्या अवेलेबल रखा है टूरिस्ट के लिए? मैगी है, चाय, ब्रेड ऑमलेट। मैगी, चाय एंड ब्रेड ऑमलेट। चलिए बढ़िया, काम कैसा है? अच्छा। और साफ़ सफाई का ज़रा मुझे बताएं। साफ सफाई ठीक है। साफ सफाई ठीक है, टूरिस्ट जो है वो गंद नहीं करते? और आप टूरिस्ट को अच्छे से बता देंगे गंद जो है डस्टबिन में डालें, जो आप अपनी दुकान के बाहर आपने लगाया है। चलिए बहुत बढ़िया। मेरा भी जितने भी लोग यहाँ पे आके विज़िट करते हैं, खास करके टूरिस्ट यहाँ पे आके विज़िट करते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि जितने भी ये लोकल्स हैं जिन्होंने यहाँ पे दुकानें लगाई हैं, प्लीज़ मेहरबानी करके इनके साथ बार्गेनिंग ना करें। बड़ी मेहनत के साथ इन्हें दिन रात लगा के यहाँ पे अपनी दुकानें जो हैं ये चलाते हैं। बार्गेनिंग ना करें, ये इन्हीं का वन ऑफ इनकम ऑफ सोर्स है, सो इन्हें सपोर्ट करें। क्या नाम बताया आपने अपना? ठीक है विक्रम जी। ये एक और छोटी सी दुकान हमारे सामने, ज़रा इनसे भी बात करते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया। अच्छा नाम बताएं अपना? किरणजीत। किरणजीत जी, आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अपने स्टॉल में तैयार करते हैं? सारे हम बनाते हैं, ये चाय बनाते हैं और मैगी तो और ब्रेड ऑमलेट वगैरह और चपाती। अच्छा अच्छा, खाना बनाते हैं आप? खाना बनाते हैं। खाने में क्या क्या बनाते हैं आप? सर चपाती मिल जाती है। अच्छा। तो और चावल मिल जाते हैं, राजमा दाल मिल जाती है। राजमा दाल। चलिए बहुत बढ़िया। आपने साथ में टेंट भी लगाए हुए हैं? जी सर। इसमें नाइट स्टे करते हैं लोग? जी सर। अच्छा अच्छा, कितना पर नाइट का रेट रखा सर? इस जो छोटा वाला टेंट है इसका 500। अच्छा, रात का नाइट। चलिए बढ़िया। से साफ सफाई का क्या माहौल है आपके यहाँ? साफ सफाई बढ़िया है ना? बढ़िया। चलिए साफ सफाई का सबसे मैं ये समझता हूँ साफ़ सफाई का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आपके पास अगर साफ़ सफाई है, आपके आसपास अगर सफाई है, तो टूरिस्ट आपके पास ज़रूर आएगा। ठीक है, ओके, गुड लक। ठीक है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये खूबसूरत सी वैली में खूबसूरत लोग जो हैं क्रिकेट का मज़ा उठाते हुए, ये नज़ारा देखिए।
चाय वैली में एक और खूबसूरत अट्रैक्शन है यहाँ का चश्मा, बड़ा स्वादिष्ट और ठंडा पानी है। ये देखिए मेरे सामने, मेरे बैकग्राउंड में, आइए ज़रा नज़दीक से देखते हैं। और आप जब भी यहाँ पे आएँ, ये वाला पानी, इस चश्मे का पानी ज़रूर पी के जाएँ। साफ़ सफाई यहाँ पे ख्याल नहीं रखा गया है। अब मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे ड्राइव यहाँ पे क्लीननेस ड्राइव करना पड़ेगा। सबसे भी मेरा निवेदन है, पानी के पास आप जब भी आएं, इस कचरे को जरूर साफ करें और इसे कहीं डस्टबिन में डाल दें। धन्यवाद। अब देखिए साफ सफाई करने के बाद हमारा चश्मा कितना खूबसूरत लग रहा है। आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर अगर आप जाते हैं, आपके आसपास जो भी कचरा है या आप कोई भी ऐसी चीज़ जो वहाँ पे लेके आए हैं, उसे कहीं डस्टबिन में डाल दें। ये हम आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी साफ़ सफाई की ओर अगर सही तरीके से निभाएंगे, तो तभी जाके हम अपने भारत को, हम अपने आसपास, हम अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। सो प्लीज़ साफ़ सफाई पर खास ख्याल रखें और अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है साफ़ सुथरे रखें। धन्यवाद। अभी जाके हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे बाहर के लोग आएंगे और यहाँ आके मज़ा लेंगे और हमारी जगहें इसी तरह से एक्सप्लोर भी होंगी जब साफ सफाई होगी। ये यहाँ पर भी एक छोटी सी दुकान जो है हमारे एक साथी ने यहाँ पे लगाई है। पापा नाम बताएं अपना। आफ्ताब। आफ्ताब जी, वाह, नमकीन नमकीन चाय का मज़ा उठाते हुए और रोटी, मक्खन मक्खन और रोटी, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा आप मुझे बताएं, लोगों के लिए आपने जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, तो नमकीन चाय रखी उनके लिए? क्या बात है। आपका नाम? आफ्ताब। आफ्ताब आप चिंता से हैं? चिंता से हैं, लोकल हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि जाई वैली में आप जब भी आते हैं, आफ्ताब जी के पास आएँ, इनके पास आके नमकीन चाय का स्वाद लें, उसके साथ रोटी रोटी मक्खन और क्या रखा है? पनीर रखा है। मक्की की रोटी है, पनीर है, मक्खन है, और जो भी ऑर्डर करेंगे वो इधर मिल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन यहाँ पे लगी। आफ्ताब जी के पास आए, नमकीन चाय का मजा लें, मक्की की रोटी, पनीर आपको यहाँ मिलेगा, सब कुछ देसी, देसी चीजें, देसी लोग। आपके टेंट में लोग रुकते हैं रात को? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। प्लीज़ प्लीज़ यहाँ जब भी आएँ, आफ्ताब जी के पास आएँ और नमकीन चाय का मज़ा उठाएं। हम भी आफ्ताब जी के साथ नमकीन चाय का मज़ा लेते हुए, आहा,
ज़बरदस्त। ये मक्की की रोटी मक्खन के साथ, ये देखिए आप सब भी आफ्ताब जी के पास आए, यहाँ पे देसी चाय और मक्की की रोटी और मक्खन का मजा उठा। भाई वैली में आके घुड़सवारी का भी मजा उठा सकते हैं। भाई जी क्या नाम है तेरा? राजवली। के राजवली। राजवली अच्छा अच्छा, क्या करते हो आप जाई में? घुड़सवारी करवाते हो? क्या 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 लेते हो आप, कितने पैसे लेते हो? लेते हैं 10-20 रुपए एक घंटे के? नहीं नहीं। फिर राउंड लेते हैं। राउंड के? राउंड के 10-20 रुपए तो सस्ता रखा है ना। चलिए जी। हाँ जी भाई साहब आपका नाम? सलीम दासरी नाम है। सलीम, चलिए अगर आपको घुड़सवारी का आनंद यहाँ पे उठाना है तो सलीम जी से और राजली से कांटेक्ट कीजिए। चलिए यहाँ पर भी मेरे पीछे कुछ और दुकानें लगाई गई हैं, कुछ टेंट्स भी हैं, चलिए ज़रा नज़दीक से देखते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत टेंट लोगों के रहने के लिए यहाँ पे अवेल किए हुए हैं। इनके ओनर जो हैं उनसे बात करते हैं। हर एक फैसिलिटी यहाँ पे। हाँ जी सर, आप यहाँ के मालिक? क्या नाम आपका? सुनील। सुनील जी, सुनील जी क्या तैयार किया जा रहा है? चावल आलू। चावल आलू जो भी मतलब वीआईपी जो भी ढूंढना चाहते। ये हमारे सुनील जी हैं। सुनील जी आप लोकल हैं यहाँ के, है ना? बिल्कुल। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे कारोबार करते हैं ना? बिल्कुल। तो मुझे बताएं काम कैसा है? काम फिलहाल सही चल रहा है। मुझे बताओ जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो क्यों आपके पास आए? ऐसा क्या आपने रखा है कि टूरिस्ट आपके पास आए? टूरिस्ट के लिए हमने हर चीज़ ऑन लेवल करके रखी है। अच्छा, जो भी एक बड़े से बड़ा वीआईपी हमारे पास आए उसको हर चीज़ की फैसिलिटी, मतलब छोटे से लेके बड़ी चीज़ हर कुछ आपने अवेलेबल रखा है ना? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ काम करते हैं। टेंट्स की फैसिलिटीज़ भी रखी है? बिल्कुल सर। अच्छा, कुछ ऑन लेवल। क्या 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 पर नाइट के क्या चार्जेस लेते हो आप? ये है आर्मी टेंट। अच्छा, जो अच्छा। कि चाहे जितनी भी बारिश हो इसको कोई भी, मतलब इसमें पानी आने का कोई जरिया नहीं है, इसमें पानी नहीं आता। ये फैमिली टेंट है एंड वाटर प्रूफ है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, क्या क्या रेट आप चार्ज करते हैं इसका? 1500 लेते हैं। 1500 रात का? रात को। इसके इसके अंदर 15 आदमी भी आते हैं। अच्छा अच्छा, पूरी फैमिली, मतलब एक जॉइंट फैमिली, एक बड़ी फैमिली अगर आपके पास आई है तो यहाँ बड़े आराम से वो रह सकते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा अच्छा, और साफ़ सफाई का क्या ख्याल है आपके? साफ़ सफाई तो हम सुबह ही कर लेते हैं। जो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हर सुबह यही काम है हमारा, साफ सफाई का। साफ सफाई, जितनी साफ़ सफाई रखेंगे और साफ सफाई सबसे ज़्यादा अहम है। बिल्कुल, जितनी आप साफ़ सफाई रखोगे उतना ज़्यादा टूरिस्ट जो है आपके पास अट्रैक्ट होगा। बिल्कुल सर। अगर आपके पास चीज़ें कम हैं, बिल्कुल, और अगर आप सफाई रखते हो तो आपके पास टूरिस्ट ज़रूर आएगा। बिल्कुल। तो टूरिस्ट को भी आप बताएं कि साफ़ सफाई का ख्याल रखें, जो कचरा वो करते हैं उसे उठाकर बड़े अच्छे से डस्टबिन में रखें। हाँ, हम सबको बोल देते हैं जो भी हमारे पास आते हैं, क्योंकि अब सबके पास तो कचरा होता ही साथ में। हाँ, कोई घर से कोई लेज लेके आता है, घर से कोई फ्रूट लेके आता है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबको बोल देते हैं हम, साफ़ सफाई का ख्याल बड़ा ज़रूरी है। हाँ, डस्टबिन में डाल दो, सबको बोल देते हैं जगह जगह पर जाके हम। बहुत अच्छे से मिल जाए। यहाँ पर एक और कोतवाल फास्ट फूड कॉर्नर है जहाँ पे आपको फास्ट फूड में मोमोज, स्टीम फ्राई नूडल्स, न्यूट्री कुलचा, मैगी, टी, समोसा, ऑमलेट, चिकन फ्राई, चिकन तंदूरी, सब कुछ आपको यहाँ पे अवेल मिलेगा। सो कोतवाल फास्ट फूड कॉर्नर पे आएं और फास्ट फूड का आनंद लें। सुनील जी के यहाँ एक खास बात यह है कि यहाँ पे सब कुछ देसी चूल्हे पे तैयार किया जाता है, देसी मुर्गी बिरयानी। तो आपसे मेरा निवेदन है, आप जो भी कोई यहाँ आए सुनील जी के
देसी चूल्हे का बना हुआ खाना खाएं। सबसे मेरा निवेदन है, जाइए वैली, आप जब भी आएँ सुनील जी के पास आके ज़रूर रुकें। सुनील जी ने आप सबके लिए सब कुछ दस्तियाब रखा है। सबसे बड़ी बात, खाने पीने की चीज़ें आपको इनके पास मिलेंगी, रहने के लिए आपको टेंट जो हैं वो इनके पास मिलेंगे। इनके पास सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास बाथरूम की फैसिलिटी जो है वो भी अवेलेबल है। पीछे इनने बैकग्राउंड में अपने टेंट के ऊपर तिरंगा झंडा लगाया हुआ है। सुनील जी एक ख्याल रखिए, तिरंगा झंडा जो है हमेशा लहराता रहना चाहिए, हमारी शान है। बिल्कुल सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। सो आज का इतना ही। बहुत सारे लोगों से आज मेरी मुलाकात हुई और बहुत सारे लोग थे जिनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। नेक्स्ट टाइम किसी दिन आएंगे, फिर उनसे भी मुलाकात करेंगे। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और भद्रवाह ज़रूर आएंगे, जाय वैली ज़रूर विज़िट करेंगे और हमारे इस जाय वैली को एक्सप्लोर करेंगे। सो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।